इस लेक्चर में हम लोग इंग्लिश का वॉयस, जिसको आप हिंदी में वाच्य बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। आप जानते हैं कि जो वॉयस होता है दो तरह का होता है, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। अब इसमें क्या अंतर होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और कैसे हम लोग एक को दूसरे में बदलते हैं, आज के लेक्चर में हम लोगों का मेन गोल इस चीज को समझने का होगा। देखिए, वॉयस जो हम लोग बोलते हैं वह वॉयस है, इसीलिए इसको वाच्य बोलते हैं। अब ये एक्चुअली यह है कृत्रिम वाच्य। कृत्रिम का मतलब होता है करने वाला। जब भी देखिए कोई दो चीज, कोई भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होते रहती है, कुछ भी होता है, अभी हम लोगों ने बहुत सारा बात किया, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे कि बहुत सारा चीज होता है, होते रहता है, तो उसमें तीन चीज होता है मोटा मोटी। एक तो क्या हो रहा है, दूसरा उसको कौन कर रहा है, और तीसरा उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है। यही तीन चीज होते हैं सभी जगह। तो और उसके बाद एक रिपोर्टर होता है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि रिपोर्टर कैसे उसको रिपोर्ट करता है, तो यहाँ भी उसी तरह की बात होती है कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कोई कर रहा है और किसी को, किसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और कुछ लोग हैं जो उसकी बातें करते हैं, ये होता है। जब बातें करते हैं तो आप देखिएगा, कुछ उदाहरण देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि तीन चीज है, एक है करने वाला, इसको कहते हैं कर्ता, जो करने वाला होता है, ये होता है कर्ता। दूसरा होता है क्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, या इसको ये भी बोलते हैं डूअर, करने वाला, लेकिन हमेशा ये डूअर नहीं होता, तो इसलिए जो हमेशा ये सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसलिए अभी करने वाले को हम कहते हैं डूअर, जो काम को करता है, क्रिया को जो कर रहा है। और ये जो होता है, एक होता है अदर पार्टी या दूसरा पक्ष जो इससे प्रभावित होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलते हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसके हिसाब से कर्म नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा हम फिर से आप लोगों के इसके लिए करें, क्योंकि एक कर्ता कर्म जो है हम लोगों की आदत बनी होती है कि हम लोग इंग्लिश में जब से हम लोगों को पढ़ाया गया है, हम लोग सोचते हैं कर्ता कौन है, करने वाला, तो सब्जेक्ट, और कर्ता का हिंदी इंग्लिश हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट होता है, वो नहीं है, वो दूसरा चीज़ है। जैसे अभी मान लीजिए ये कर्ता है, कर्ता मतलब हम कहते हैं करने वाला, एक क्रिया है, कोई काम कर रहा है, और ये एक दूसरा पक्ष है जिसका उसको फायदा मिल रहा है, या ये प्रभावित पक्ष है जिसको इसका प्रभाव, इसके काम से इसको फायदा मिल रहा है। और जब बातें करते हैं तो चूंकि यह कर रहा है,
तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कर रहा है उसको महत्व अधिक देते हैं, वो काम कर रहा है और उससे दूसरे पक्ष को फायदा हो रहा है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा हालत होता है कि जहां बेशक ये कर रहा है और इसको फायदा हो रहा है, लेकिन जब लोग बातचीत करते हैं तो इसी को ज्यादा महत्व देते हैं, जो इसको फायदा हो रहा है उसी को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई बहुत, मान लीजिए बड़ी कंपनी है या बहुत अमीर आदमी है, और ऐसा सिचुएशन हो गया कि उसको कोई एक बहुत सामान्य आदमी ने मदद किया, तो उस समय जो रिपोर्ट करने वाला होगा, पेपर में भी निकालना होगा, तो सामान्य आदमी को महत्व नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उसको न्यूज़ बनाना चाहता है, और न्यूज़ में जो सामान्य आदमी होगा तो उसके नाम से लोगों को बड़ा न्यूज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी है, इसको गांव का कोई बच्चा एक्स वाई जो भी है किसी तरह से इसको मदद किया, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम कहें कि एक्स ने गूगल को मदद किया, हेल्प किया। लेकिन क्या होता है कि जब हम रिपोर्ट करते हैं तो लगता है कि एक्स को ही लोग नहीं जानता है, तो अगर हमने कुछ लिखा हुआ भी है तो उसके अंदर में रिपोर्ट में क्या लिखा है वो लोग पढ़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, न्यूज़ बनाने के लिए हम लोग कहते हैं कि गूगल जैसी बहुत बड़ी कंपनी को भी एक छोटा सा आदमी, एक सामान्य आदमी मदद किया। जैसे ही हम पढ़ेंगे या कोई सुनेगा कि अरे गूगल को मदद किया, तो भाई गूगल को किस आदमी ने मदद किया, गूगल से किसको हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई, किससे हेल्प लेने की जरूरत पड़ गई, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में या लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आती है, फिर वो डिटेल में जाते हैं, देखते हैं। तो इसी तरह का कि आप किसको महत्व देते हैं उसके बेसिस पे आप इसको या तो कृत्रिवाच्य या कर्मवाच्य बोलते हैं। तो जो कृत्रिवाच्य है, एक्टिव, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। इतना हिंदी में देखिए नहीं भी याद करने से चलेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और मैं इतना जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ कहानी, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए कि आखिर होता क्या है। तो जब ये पहला केस है कि कोई आदमी ने कुछ किया और आप उसको महत्व देते हैं, तो महत्व देने का क्या मतलब है? महत्व देने का मतलब है कि हम कोई भी, जो अब आते हैं, देखिए अभी जो हमने देखा वो देखा कि कैसे लाइफ में होता है कि कोई कर रहा है, करता मतलब करने वाला होगा, कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और कोई उससे उसको फायदा किसी को मिल रहा है या प्रभाव पड़ रहा है, फायदा घाटा कुछ भी हो रहा है। अब हम सेंटेंस के हिसाब से आते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो नॉर्मली जब हम इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई करते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कि राम रीड्स अ बुक। तो राम सब्जेक्ट है क्योंकि वो बुक को पढ़ता है, पढ़ने वाला है, तो इसलिए हम उसको कर्ता बोलते हैं। तो हिंदी में समझते हैं कि इंग्लिश में कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसके अनुसार जो मेन वर्ब है वो डिसाइड होगा, और इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाते हैं, लिखने का तरीका बनाते हैं। हिंदी में भी जैसे अभी आप, हमने कहा कि गूगल को
एक्स वाई जेड किसी की भी मदद मिली, या दूसरे तरह से कहें कि एक्स वाई जेड जो है उसने गूगल को हेल्प किया, तो ये दोनों तरीके अलग अलग से हो गए। पहले में हम गूगल को महत्व दे रहे हैं, दूसरे में हम करने वाले को महत्व दे रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट का मेन, जिसको आप यहाँ इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, जब आप गूगल को महत्व देना चाहते हैं तो आप गूगल को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जब आप उस आदमी को महत्व देना चाहते हैं तो आप उस आदमी को, एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब जो सब्जेक्ट है आप उसको महत्व दे रहे हैं जो एक्शन को कर रहा है, जो एक्शन को करने वाला डूअर है, वो अगर सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, क्योंकि उस केस में वर्ब जो होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो एक्चुअली एक्टिव और पैसिव जो है वर्ब का फॉर्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह डूअर होता है, करने वाला होता है, और इस केस में जब पैसिव होता है तो जो सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट मत लिखिए, लिखिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो डूअर बन जाता है, डूअर बाद में आता है। उसको इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम राइट्स ए लेटर, तो यहां वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, लिखना। और लिख कौन रहा है, राम। तो अगर हम राम को महत्व अधिक देते हैं तो राम जो है डूअर है, करने वाला है, अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं सेंटेंस का, सब्जेक्ट पहले आता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से होता है। तो जब सब्जेक्ट पहले आता है तो जब हम राम को पहले रखते हैं, राम को अधिक महत्व देते हैं, तो इस सेंटेंस को, जैसे अभी ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन सपोज इसको हम राम को नहीं अधिक महत्व देके लेटर को दे रहे हैं, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो पहले ये आएगा, तो क्या लिखेंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा गया। यहां का है राम ने एक पत्र लिखा, पत्र पीछे हो गया, और यहां हम कह रहे हैं कि जो लिखा वो बाद में चला गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये इस सेंटेंस जो हमारा है इसमें लेटर सब्जेक्ट बन गया और बाय राम जो करने वाला है ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऐसे सेंटेंस को ये पैसिव वॉइस में बोलते हैं। तो ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब। इतना समझने के बाद हम लोग बहुत आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट हम समझ गए कि जिसके अनुसार, जो देखिए सेंटेंस में आपका नॉर्मली पहले आया, जिसको आपने अधिक महत्व दिया, और जिसके अनुसार मेन वर्ब चल रहा है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं अगर नॉर्मल की जो करता है वो सब्जेक्ट है, और जिसका, जिस पे उसका प्रभाव पड़ता है वो कर्म है। तो हिंदी में कर्ता कर्म का अलग मतलब है और इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अलग मतलब है। तो ये हुआ। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए ही टीचेज अस
मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, टीचेज पढ़ाना, और कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रहा है। तो ये देखिए पहले आ रहा है, तो ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ाने वाले को प्राथमिकता दी है, पहले जगह दी है, तो यह एक्टिव वॉइस होता है। और अब देखिए यहां पे जो एक्शन है उसका असर किस पे पड़ रहा है, दो लोगों पे, एक तो अस हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो हम पे पढ़ रहा है, और दूसरा किसको पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिक्स को पढ़ाया जा रहा है, तो मैथमेटिक्स पे भी असर है, मैथमेटिक्स को पढ़ा जा रहा है। तो यहां दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ऑब्जेक्ट यह हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट यह हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया। तो अब जो ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा, अब अगेन आप चाहे तो इसको प्राथमिकता दे सकते हैं या इसको प्राथमिकता दे सकते हैं, तो किसको प्राथमिकता देते हैं उसके मुताबिक, अगर हमने एक इसको प्राथमिकता देके इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया तो एक फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद इसको प्राथमिकता देके कर दिया तो दूसरा फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो आपका एक्टिव से पैसिव जो वॉइस होगा उसका भी दो फॉर्म होगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट को एक बार प्राथमिकता दिए, दूसरे को दूसरे बार दिए, तो दोनों आपका करेक्ट होगा। तो जब आप एग्जाम वगैरह देंगे तो जहां च्वाइस चुनना होगा तो आपको देखना है कि उस दोनों में से किसी को प्राथमिकता देके आप लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हम लोग कल सेंटेंस का टाइप देखे थे कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो उसमें से एक था आदेशात्मक वाक्य, हम लोगों ने देखा था। तो जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस और हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें केवल आदेश ही हो। ये चूंकि ग्रामर हमने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी ग्रामर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए तो इंग्लिश ग्रामर बन जाएगा, प्रत्येक भाषा का अपना नियम है। इसलिए जब हम लोग हिंदी और इंग्लिश को उस तरह से ट्रांसलेट करने का कोशिश करते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन अभी हमने केवल इसलिए लिख दिया कि आपको थोड़ी सुविधा हो। हमारी आदत बनी होती है, हिंदी में बहुत सारा चीज़ हम जानते हैं और उससे अगर कोरिलेट करते हैं तो हम अधिक आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। तो देखिए इंपरेटिव का मतलब केवल आदेश नहीं होता, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, अनुरोध भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है। तो जब इंपरेटिव होता है, जैसे मान लीजिए कहे कि ओपन द डोर, दरवाजा को खोलो, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो ऐसे जो सेंटेंस हम लोग लिखते हैं इंपरेटिव, मैं ये केवल बताने का कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट करने वाला नहीं, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, तुम होता है, आप होता है, ये छुपा होता है। ऐसे भी अगर आप सोचिए कि कहा जा रहा है ओपन द डोर, तो किसी को कहा जा रहा है ना कि आप दरवाजा खोलो, अगर बोलते तो आप बोलते या तुम बोलते, लेकिन इस चीज को नहीं बोल के सामने वाले को आधी बात इशारे से भी होती है कि दरवाजे खोलिए, तो जो सामने है वो खोलेगा। तो ऐसे में आप समझिए कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है। तो जब हम लोग ये बनाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुरू में है तो छुपा हुआ है, लेकिन अगर इसको बाद में कहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी तो उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यह समझना है कि ऐसे केसेस में यू जो होता है छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है। तो इतना देखने के बाद अब आइए हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि किस स्टेप्स में
जैसे ये कह रहा है बच्चा कि लेट अस कीप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड, तो ये हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हमें कैसे इसको करते हैं, ये स्टेप्स याद नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन तो हम लोगों ने पहला चीज़ देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, कि पहले जो डूअर है जब एक्टिव वॉयस होता है तो उसको हम लोग अधिक महत्व देते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सुरेश रीड्स ए नोवेल, तो यहाँ एक्शन क्या है, रीडिंग, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, सुरेश, तो हमने इसको अधिक महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए उसको पहले रखा है, और नोवेल को पढ़ रहा है उसको बाद में रखा है। तो इसको हम लोग एक्टिव वॉयस बोलते हैं। वॉयस यहाँ नहीं लिखा हुआ है, छोटा रखने के लिए, सब में एक्टिव मतलब एक्टिव वॉयस। और ये जो स्टेप्स है यह है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए, बदलने के लिए। तो अब देखिए, तो सबसे पहले यहां देखिए, इसमें सब्जेक्ट सुरेश है इस सेंटेंस में, लेकिन अब जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो इस सुरेश की महत्ता प्राथमिकता कम कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है नोवेल है जिसको पढ़ा जा रहा है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो ये जो ये नोवेल था, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, तो और ये जो सुरेश था ये देखिए ऑब्जेक्ट बन गया सेंटेंस में, बाद में आया। तो ये कर दिए, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो गया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अब जो ये ऑब्जेक्ट था, आफ्टर ऑब्जेक्ट कहिए या आफ्टर, इसको ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक और चीज हम कह सकते हैं, न्यू सब्जेक्ट, जिसको हमने नया सब्जेक्ट बनाया। जैसे यहां ए नोवेल है तो ए नोवेल को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो वर्ब है ये इसके अनुसार आएगा। तो ए नोवेल इज रेड, नॉट आर रेड, क्यों, क्योंकि नोवेल सिंगुलर नंबर है। और हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं या कोई कंफ्यूजन है कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, तो आपका ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो, आप देख सकते हैं वर्ब का कैसे है। तो जितना इज, आर, वाज, वेयर, ये सब जो वर्ब इस तरह के होते हैं इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब नोवेल के अनुसार इज आ गया, और उसके बाद भी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है भी थ्री बाय सुरेश। ये जो रीड होता है वो इसका एक्चुअली तीनों फॉर्म सेम होता है, पढ़ते इसको रेड हैं, लेकिन ये भी वन है, भी टू है, भी थ्री है, तीनों फॉर्म में सेम होता है। जैसे आप जानते हैं गो होता है, तो गो, वेंट, गॉन, ये होता है ऐसा। तो यह जो फॉर्म है इसको भी थ्री बोलते हैं। कोई भी किताब में आप देखेंगे तो ये लिखा रहता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि भी थ्री का फॉर्म क्या है। बहुत सारे जो वर्ब होते हैं उसमें ईडी लगा के बनता है सेकेंड और थर्ड जो वर्ब होता है। तो इस तरह से भी थ्री, और उसके बाद बाई आएगा डेफिनेटली, बाई, जैसे यहां आ गया बाई, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट था ये पुराना वाला सब्जेक्ट है, ओल्ड सब्जेक्ट,
इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यू न्यू ऑब्जेक्ट, ये जो है न्यू अभी ऑब्जेक्ट बन गया, ये न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने यहां जब सब्जेक्ट लिखा है तो पहले के हिसाब से लिखा है, अब ये नया ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले ले लाया, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब को लिखा, जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म को भी थ्री को लिखा, उसके बाद बाय लिखा, और जो यहाँ सब्जेक्ट था उसको यहाँ ले लाया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से हमारे स्टेप्स हो गए। अब जैसे आइए देखते हैं, ही टीचेज मैथमेटिक्स, जानबूझ के इसी चीज को हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया ताकि आपके दिमाग में वो आ जाए कि कैसे इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यह है और एक ऑब्जेक्ट यह है, हम लोग देखे हैं पहले। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट है, तो जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें दो फॉर्म मिलेगा जैसा हमने बताया। तो पहले यह है, अब इसको हमें प्राथमिकता देना है, दे रहे हैं। तो अस है, अस किसका फॉर्म है आप जानते हैं, अस का मतलब हम लोग होता है, वी। तो जब सब्जेक्टिव, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहां हम लोग पढ़े हैं कि केस, कोई भी जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे मान लीजिए वी, अस, आवर, और आवर सेल्व्स, ये जो होता है इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको कहते हैं पोजेसिव, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ये देखिए वही वर्ड है, हम लोग, सबका मतलब हम लोग ही है। लेकिन जब हम इसको ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, जैसे अब हम यहां अस था, ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट में रहेगा तो अस रहेगा, इसीलिए इसको देखिए यहां कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जब हम अस को इसको सब्जेक्ट में लाए तो इसको हमने वी लिखा, क्योंकि इसका हम लोगों का जो सब्जेक्टिव केस होता है वी होता है। और यही अगर कहना होता कि हमारा प्रॉपर्टी या हम लोगों का क्लास, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आवर, मतलब ये ओनरशिप दिखाता है कि हमारा कोई चीज़ है, हमारा क्लास है। और अगर हम लोग अपने आप की बात करें, जैसे हम लोग इंजॉय करते हैं तो अपने आप को इंजॉय करते हैं, तो वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स, तो ये इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, जो अपने को ही बताता है। तो यहाँ अस के जगह पे पहला जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ हमारा पहले आ गया, अब हम उसको महत्व दे रहे हैं। वी आर टॉट, अब वी के मुताबिक आर हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और टीच का थर्ड जो फॉर्म होता है, हम लोग बताए थे वी थ्री, वो टॉट होता है, तो वी आर टॉट। अब ये मैथमेटिक्स जो था वो मैथमेटिक्स रह गया, और बाय, जैसे हम लोग यहाँ देखे थे कि बाय आता है उसके बाद नया ऑब्जेक्ट या पुराना वाला सब्जेक्ट, तो बाय हिम, किसके द्वारा, तो उसके द्वारा या उनके द्वारा। अब देखिए, अब हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स के मुताबिक हेल्पिंग हैंड आएगा, तो इज, क्योंकि वह सिंगुलर है। टॉट, वो इसका भी थ्री फॉर्म सेम रहेगा। टू अस, किसको पढ़ाया गया, तो हम लोगों को पढ़ाया गया, टू अस, और किसके द्वारा, तो बाय हिम, उनके द्वारा। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव का करने का तरीका होगा, जहां डबल ऑब्जेक्ट हो। अब आइए हम लोग
और तरह के एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, एक्चुअली आई ये राइट है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल होता है ना, आई राइट, ही गोज, वी गो, इस तरह का। तो आई राइट ए स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखता हूं, तो ए स्टोरी ये पहले आ गया। अब ये प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है, रिटन बाय। अब आई जो होता है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आई नहीं लिखिएगा, ए स्टोरी इज रिटन बाय आई नहीं, जैसे हमने बताया, वो आप प्रोनाउन देखिएगा भी आपका वीडियो में भी, उसमें टेबल बना के दिया हुआ है कि आई जो होता है तो इसका ऑब्जेक्टिव मी होगा, पोजेसिव माई होगा और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होगा। तो ये देखिए, ये चारों इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जो चारों फॉर्म होता है केस। तो ए स्टोरी इज रिटन बाय मी। मोहित रोट ए लेटर, अब रोट है, ये देखिए पास्ट टेंस है, मोहित एक लेटर लिखा, तो या लिखा था, तो ए लेटर वाज, अब ए लेटर इसको आपने शुरू में कर दिया और हेल्पिंग वर्ब आएगा लेटर के मुताबिक, तो पास्ट टेंस वाज रिटन बाय मोहित, और ये उसी तरह से थर्ड फॉर्म है V3। तो यही तरीका है, सब में यही लगेगा। मंजीत विल पोस्ट द लेटर, अभी देखिए ये फ्यूचर का हो गया, तो आपका यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो फ्यूचर का होगा, द लेटर विल बी, तो विल ऐसे में फ्यूचर में विल जो होगा विल बी में बदलेगा, तो द लेटर विल बी पोस्टेड बाय मंजीत, फ्यूचर में पोस्ट करेगा। सी इज प्लेइंग बैडमिंटन, तो बैडमिंटन इज बीइंग, ये देखिए ये कुछ बदलाव होते हैं कि कैसे इसके मुताबिक, ये नहीं प्ले कर रहा है ना, अगर लिख दीजिएगा बैडमिंटन इज प्लेइंग तब तो बैडमिंटन खेल रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसको खेला जा रहा है, तो इज बीइंग प्लेड, तो इसलिए ऐसे में इज बीइंग लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोले थे, ये नहीं बोले कि इज लिख दीजिए या आर लिख लीजिए, वेयर लिखिए, तो जब कंटिन्यूअस है, जहाँ आई एन जी लगा हुआ है, तो जब आप इसका वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा तो इज बीइंग लिखाएगा, तो बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब सी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे यहाँ आई का मैंने लिखा, सी का लिखिएगा तो आएगा हर, हर्स और हरसेल्फ, ऐसे, तो ये यहाँ पे इसमें हर यूज होगा क्योंकि अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। रोहित वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, अब वहाँ पे इज बीइंग लिखा हुआ था क्योंकि ये कंटिन्यूअस था और प्रेजेंट टेंस था, अब ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ लिख दिए वाज बीइंग, और ये संग जो है V3 देखिएगा, तो सिंग सॉन्ग एंड संग होता है SUNG, तो ये यहाँ यूज होता है बाय रोहित। दे हैव प्लाउड द फील्ड, अब देखिए ये हैव आ गया, मतलब ये इसको कहते हैं परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो इसमें अब ये यहाँ देख रहे हैं ना बीइंग लगता है, तो उसी तरह से यहाँ हैज बीन लगेगा, द फील्ड हैज बीन, प्लाउड बाई देम, दे का पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, इसी तरह का टेबल जो बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखिएगा दे, तो यहाँ आएगा देम,
और यहाँ आएगा देयर उनका, और यहाँ आएगा देमसेल्व्स, ए सी एल वी ई एस। तो ये हाँ बोलिए हैव हज में कैसे चेंज हो गया सर? क्या चीज मैम? हर नहीं सर, जो हैव हज में चेंज हुआ है ना, यहाँ पे हैव बीन हज बीन लिखा है हैव का। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। देखिए हमने यहां लिखा राइट, तो यहां आ गया इज रिटन, है ना, सब जगह। जैसे देखिए यहां विल था तो यहां क्या आ गया विल बी, यहां रूट था पास्ट टेंस का तो यहां आ गया वाज रिटन, है ना। तो ये हमेशा देखिए आप हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ दोनों का क्या मतलब है, दे हैव प्लाउड द फील्ड, उन्होंने खेत की जुताई की थी, तो द फील्ड वाज हैज बीन प्लाउड बाय देम, खेत की जो जुताई है, खेत को जो जोता गया उसमें प्लाउ का मतलब होता है ना, तो किसने किया, उन लोगों ने किया, बाई देम। तो ये जो हैव है ये हैज बीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसे भी कहते हैं कि ये देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यह होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में होता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया, तो इसका फॉर्म ऐसे होता है। जैसे मैंने मान लिया आई हैव, कुछ भी लिखिए, जैसे आई हैव मान लीजिए, या आई हैव ऐसा चीज लिखिए जो ये हो, जैसे मान लीजिए कि कहें कि आई हैव ईटन, मैंगो, कोई आम को हमने खाया, तो जब अब हम यहां हिंदी में कह रहे हैं कि हमने आम को खाया, अब हम आम को ज्यादा महत्ता देना है, महत्व देना है, प्राथमिकता देना है, तो हम क्या बोलेंगे, आम को हमारे द्वारा खाया गया, तो हमारे द्वारा खाया गया, तो हमारे द्वारा जो बात आती है ना, आम को हमारे द्वारा, तो खाया गया, तो ये हैव बीन हो जाता है। और इसका एक नियम के रूप में आप देखिए कि ये अगर हैव है तो हम ये नहीं कह सकते, अगर मान लीजिए हम इसको कहें सपोज समझने के लिए कि द मैंगो हैव ईटन बाय मी, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब यहां देखिए बाय मी, और अगर मान लीजिए बाय मी नहीं लिखते, हम लिखते द मैंगो हैव ईटन, तो उसका मतलब क्या हो जाता कि आम खाया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आम को खाया जा रहा है, तो इसलिए हैव बीन, मैंगो हैव बीन ईटन, तो ये हैव बीन होगा अगर हैज रहता, सॉरी यहां हैव बीन नहीं, एक्चुअली हैज बीन होगा, क्योंकि मैंगो जो है सिंगुलर है, छोटा है, अगर यही मान लीजिए मैंगोज रहता तो यहाँ आता मैंगोज हैव बीन ईटन। तो जब भी यहाँ हैव या हैज होता है तो यहाँ पे हैव बीन या हैज बीन होगा, तो यहाँ देखिए हैव था लेकिन यहाँ हैव बीन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फील्ड जो है जब यहाँ पे आएगा तो फील्ड के लिए हैज बीन यूज होगा, क्योंकि फील्ड जो है सिंगुलर है। तो जब भी ऐसा हो, जैसे यहाँ हैव है, तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा,
अब हैव बीन आएगा कि हैज बीन आएगा डिपेंड करेगा कि यह जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जब इसको हम शुरू में ला रहे हैं तो इसके मुताबिक हैव बीन लगना चाहिए कि हैज बीन लगना चाहिए, हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो यह होता है। तो जब आप ये ना एक्चुअली ये टेंस वाइज है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ इज लगा दिए, यहाँ पे भी चूँकि ये पास्ट टेंस का है तो यहाँ पे आपने वाज दे दिया, यहाँ विल था तो यहाँ विल भी हो गया, यहाँ देखिए प्ले इज प्लेइंग था इज था तो यहाँ इज बीइंग हो गया, यहाँ वाज था तो यहाँ वाज बीइंग हो गया, यहाँ हैव है तो हैज बीन या हैव बीन हो गया। तो ये बहुत सिस्टमेटिक है, जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे ही आदत डालिए। जैसे ही आप पढ़िएगा विल तो आप समझ जाइएगा कि अब द लेटर विल बी पोस्टेड, मंजीत लेटर को पोस्ट करेगा। लेकिन जब हम लेटर को पहले ला रहे हैं तब लेटर नहीं पोस्ट करेगा, लेटर को पोस्ट किया जाएगा, तो इसलिए लेटर विल बी पोस्टेड। अगर केवल कहिएगा लेटर विल पोस्टेड पोस्ट तो हो जाएगा कि लेटर पोस्ट कर रहा है, तो इसलिए ऐसा होता है। द फार्मर हैड सोन द सीड्स, तो ये देखिए अब यहां हैड है तो वहां हैज था या हैव था, तो हैज बिन या हैव बिन होता था, तो यहां आ गया हैड बिन, बाकी सब सेम तरीका है, कोई बदलाव नहीं है। ये देखिए अब आ गया विल हैव, रंजन विल हैव पोस्टेड द लेटर, तो विल हैव बीन पोस्टेड बाई रंजन। अब ओपन द डोर, जैसे अभी हमने बात किया था, तो इसमें शुरुआत हम लोग लेट लगा के करते हैं। ये देखिए ये तरीका होता है ओपन द डोर, तो हम लोग जब विनम्रता पूर्वक कहते हैं तो क्या कहते हैं, हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दरवाजे को खोल दिया जाए, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपेंड। तो बहुत समय हम लोग पैसिव वॉइस का यूज विनम्रता अधिक पोलाइट होने के लिए भी करते हैं, तो कहते हैं कि दरवाजा को खोल दो, उसके बदले दरवाजे को खोल दिया जाए, तो उसमें अधिक पोलाइटनेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ओपन द डोर तो लेट द डोर बी ओपेंड, डोर को खोल दिया जाए, तो इस तरह से इसको करते हैं। ये अलग हटके होता है तो बहुत समय एग्जाम में आपसे ऐसे चीजें पूछ दी जाती हैं। अब जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करिए, लेट द पुअर बी हेल्प, सेम थिंग है, लेट द पुअर बी हेल्प। काइंडली रीड द लेटर, काइंडली रीड द लेटर, तो इसका लेट द लेटर बी रेड, लेटर को पढ़ दिया जाए भी आप लिख सकते हैं, वो भी पैसिव ही है, जैसे यहां हमने बनाया उसी तरीके से ये भी बना दे सकते हैं, लेकिन यहां कह रहा है काइंडली, तो जैसे ही आप कहिएगा, ये नहीं कहिएगा कि कृपया दरवाजा को खोल दिया जाए, है ना, तो काइंडली वगैरह दिखाता है कि कोई एक आदमी को आप बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए उस केस में हम लोग देखे थे कि अब इसका जो सब्जेक्ट है उसको लाएंगे जो छुपा हुआ है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब यू रीड द लेटर ऐसे नहीं लिखाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अनुरोध किया जाता है टू रीड द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द लेटर। तो ये इस तरीके से दोनों फॉर्म इसलिए हमने लिखा है कि दोनों ठीक है, यहाँ भी आप यू लगा के बना दे सकते हैं और यहाँ भी लेट लगा के बना दे सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे तो एग्जाम में आपको चॉइस में देगा। अब मान लीजिए लिख दिया कि
ओपन द डोर, आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आ गया और कहा कि चॉइस ए बी सी डी मान लीजिए। अब ए वाला चॉइस कहीं आ ही नहीं रहा है, लेट वाला, लेट द डोर बी ओपन, लेकिन यहां लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, और इधर कुछ कुछ लिख दिया है जो सब गलत हैं, तो हमें इसको चुनना पड़ेगा। अब उसी तरह मान लीजिए यहां इसमें हमें लिख दिया लेट द लेटर बी रेड, तो हमें वो चुनना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य जो होते हैं, उसमें दोनों तरह से बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड करके भी और लेट द लगाकर भी। तो जो आपके चॉइस में आंसर में हो आप वैसे बनाएंगे। अब जैसे देखिए इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, कल हम लोग पढ़े थे प्रश्नवाचक सेंटेंस भी होते हैं, इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो जैसे डज ही लाइक ए स्टोरीज, क्या उसको स्टोरी पसंद है, तो यहां भी हमेशा ध्यान रखना है कि यहां सेंटेंस हम लोग बदलने की नहीं बात कर रहे हैं। कल हम लोग याद होगा आपको कि जब हम नरेशन की बात कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, उसमें सेंटेंस में भी बदलाव करते थे, उसका टाइप को भी बदलते थे। यहां सेंटेंस का टाइप नहीं बदलेगा, ये देखिए क्वेश्चन में है तो ये भी क्वेश्चन में रहेगा, तो वही अब यहां ये स्टोरीज जो था इसको महत्ता दिया जाएगा। तो आर ए स्टोरीज लाइक बाई हिम, तो इसको नॉर्मल सेंटेंस रहता तो ए स्टोरीज आर लाइक बाई हिम, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, तो इसलिए ऐसे लिखा गया। डिड राजा रोट द लेटर, तो आप जानते हैं पास्ट टेंस में वाज आता है, तो वाज द लेटर रिटन बाई राजा, तो ये आपका पैसिव हो गया। हुम डिड यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं, तो हु वाज लाइक्ड बाई यू, तो यहां पे ये आप जानते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, तो ये डब्ल्यू एच से ही शुरू होगा, हु वाज लाइक्ड बाई यू। राधा कैन राइट इंग्लिश, तो आप जानते हैं अब यहां कैन आ गया, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं मोडल, कैन मे है ना, ये सब जो यूज होते हैं। राधा कैन राइट इंग्लिश, राधा इंग्लिश लिख सकती है, तो इंग्लिश कैन बी रिटेन, जैसे वहां भी देखे थे बी यूज हो जाता था, तो कैन बी रिटेन, यहां जैसे मे है तो यहां क्या आ जाएगा मे बी। यू मे टेक टी, तो टी मे बी टेकन बाई यू, आप चाय ले सकते हैं, अब कहा ये कहा जा रहा है कि चाय आपके द्वारा लिया जा सकता है, तो ये है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे इसी फॉर्म से आएंगे, मतलब ये वॉइस के पूरे फॉर्म्स को कवर करता है। तो